राज्य में जदि आम देखा मोट संक्रमण हार जदि 3.5% रही तेज सबुठ अधिक बर्तमान टीपीआर रेट को जो देखा मयूरभ जिले में यह 18% रही जहाँ एक चिंताजनक कथा और अंपटे मयूरभ जिले में हठात संक्रमण संख्या बर्तमान संक्रमितों संख्या बढ़ुवा नजर को आ संपर्क में अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि रंजन दास रही रंजन जदि मयूरभर स्थिति आम देखा बेस दिनक दिन संकटापन्न होना हठात जदि आम देखा संक्रमितों संख्या बढ़ुच्छी जदि आम देखा राज्यर संक्रमण हार को जब तुलना करवा मयूरभ जिले में सबुठ अधिक बर्तमान रही तो जेहेतु बढ़ुवा संक्रमण को केमी रोक केमी ब्रेक लगे इन कौन पदक्षेप सब नि देखो निश्चित पक्ष नीलिमा जो मयूरभंज कथा कहूँ मयूरभंज जमीक करोनार जो ग्राफ अच्छी करोना ग्राफ धीरे धीरे उपर मुहाँ होती तेज जदि सब गोटे पक्ष जमी लोकर सचेतनतार अभाव रही जो गाँ गंडा अच्छी गाँ गंडार लोक सचेतन होना लोक मैंने गोटे पक्ष कहवाक गले जमी भाव में सरकार नियम अच्छी जमीक कटक मानवा कथा से कटकार किसी जगह मानु ना मत देखा मिली तेज सब बड़ कथा है आज जो कथ कज मयूरभंज भी आज 141 पजिट चिन्ह रही आज जो मृतकों संख्या ना आज गोटे दिन देखो मयूरभंज भी 5 जन मृतकों जो मृत होता कथा बर्तमान सूचना आ तबे सबुठ बड़ कथा हला वर्तमान किभली भाव में एक रोका जाई परिबो किभली भाव में प्रशासन सजग रही तबे आम गहणार किसी स्थानीय जो युवक मैंने अच्छे प्रतिक्रिया रखा किभली भाव में वर्तमान कौन देखुं आज्ञा करोनार किभली भाव में वर्तमान ब्रेक लग जाई परिबो कौन देखुं किभली भाव में रोका जाई परिबो भावुं आप देखो करोना गोटे संक्रमण रोग आज आप कहे मयूरभंज 141 जन पॉजिटिव चिन्हट होती दुखर विषय जो 5 जन मृत्युबरण करोना को रोक करने स्पीडी वैक्सीनेशन एवं रैपिडली टेस्ट दरकार जोड़ा कि सरकार वर्तमान सुधा असफल अच्छा वर्तमान सुधा मयूरभंज जिले में देखते 50% लोक वैक्सीन ग्रहण करना तो कोरोना को रोक करने आम सोशल डिस्टेंसिंग को मानवा दरकार देखते सरकार आगु जमी लॉकडाउन करते से भाई लॉकडाउन एवं ना तो एवं सरकार कहते कि दिन 2टा पर्यंत दुकान बजार खोला तो लोक गोटे टाइम गोटे जगार गैदरिंग होती तो से कहीं ये गोटे इनफेक्शन डिजीजटा तेणु वर्तमान ये जो भिड़ हो मार्केट एवं बाहाघर मध्य हो तो लोक किसी मानु ना जदि लॉकडाउनटा को सका संध्या जाए करा जाए एवं दुकान बजार सका संध्या जाए खुला रहू किंतु किसी कोरोना कटकणा मध्य लागू रहू तेणु मु भावुचे ये सब कलापर कोरोना को आम जित कर निश्चित पक्ष निर्मा देखते सीधासख प्रतिक्रिया रखुते जमीक कहते हैं वैक्सीनेशन हो सब बड़ कथा जो वैक्सीनेशन देश में संपूर्ण हो पार जो लोकों पाखे वैक्सीनेशन संपूर्ण हो पार कहीं ये गोटे करोना कथा जो आसूसी ये गोटे दीर्घ समय धरिकी है लोक जीवन जीविका उपर बाधा देला तेणुक बहुत जगह देखा कि जो नीति नियम अच्छे जो कटक अच्छी सरकार कटक लोक मैंने किसी जगह मानु ना देखा मिली कारण तक जो जीवन जीविका कथ आसे पेट पटना कथबार्ता आसे लोक मैंने दूरे जाऊ कथबार्ता आस लोक मैंने मानु ना देखा मिली तेज ये समस्त विषय जो देखा जीव जमीक ट्रेसींग कि भाव में सुंदर जल्दी हो पार कि भाव में लोक मूँ ट्रेसींग करके कि भाव में सुरक्षा दि जाए पार रोगी को देखा दरकार हो जो कह जो बड़ कथा रही सब वैक्सीनेशन कथ कि भाव में शीघ्र वैक्सीनेशन हो पार और वैक्सीनेशन हो सारापर निश्चित समस्त सुरक्षित रही पारे कहुच्छे तेज सब बड़ कथ बर्तमान जो दुईट कथ आसो दुईट बर्तमान जो भारीएंट बर्तमान चिन्हट होती जो लमड़ा कथ कह कि डेल्टा कथ कह ये आग को कि भाव में रोज जो तृतीय लहर कथ जो विशेष मैंने कहते तृतीय विशेषज्ञ आसला कि भाव में तार प्रभाव पकेब लोक कि भाव में क्षति पहुँचे समस्त लोक मन में बर्तमान संशय सृष्टि लोक मैंने आशंकर रहा आगे कौन हो अपेक्षार रही निहा रंजन तृतीय विशेषज्ञ न तो तृतीय वेव जो आसो बर्तमान नहीं बर्तमान चिंता प्रकट करपटे जो देखा कोरोना स्टाटस कौन रही मयूरभंज जिले में कारण एक तो जब राज्यर संक्रमण सहित आम तुलना करवा सब तो अधिक रही मयूरभंज जिले में हठात बढ़ुवा जो कोरोना संक्रमण पक्षर कारण कौन तार निराकरण कौन और वैक्सीनेशन केमती चलती टेस्टिंग ट्रेसींग ट्रिटमेंट यहाँ केत दूर गुरुतारोप कर नहीं निश्चित पक्षे देखो आजिकार जो कथ कहे आज तो 141 जन आज पॉजिटिव चिन्हट होती आज 5 जन मृत्युबरण करती एक्टिव केस जदि मयूरभंज कह 1318 बर्तमान एक्टिव केस रही
ଯଦି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କୁହାଯିବ କରୋନାରେ 155 ଜଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 37,121 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ତା ଭିତରୁ 35,645 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟ୍ରେସିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ତାକୁ ଅଧିକ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ପଜିଟିଭଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରୁଥିବା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି।